हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, उसके बाद नीचे चार लोक नृत्य दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि ये जानकारी किसके बारे में लिखी गई है। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप यही देखें कि ऑप्शन में आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है। आपके दिए गए लोक नृत्यों में घूमर, छाऊ, गरबा और कालबेलिया है। अब हम इसके महत्वपूर्ण दिए गए जानकारियों को पढ़ेंगे। यह कहता है, यह राजस्थान में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। या तो वो घूमर होगा या तो कालबेलिया होगा, क्योंकि राजस्थान में यही दो की जाती हैं। वेशभूषा और नृत्य प्रदर्शन नागों के समान है। आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। ये जानकारी कालबेलिया के बारे में है। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, अब आप इन जानकारियों को याद रखने की कोशिश करें। कालबेलिया जो है उसके बारे में बताता है कि ये राजस्थान में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसकी वेशभूषा और नृत्य का प्रदर्शन नागों के समान होता है, जैसे नाग सांप करता है वैसे ही। इसका वाद्य यंत्र जो है वो बीन ही है, इसे आप याद रखेंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो मेंटेन की जाती है उसके अंतर्गत 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, इन बातों को आप याद रखें। हम चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सांख्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको तीन कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, यह दर्शन शास्त्र का सबसे पुराना विचारधारा है और इसकी स्थापना ऋषि कपिला ने की थी। फ्रेंड्स, आप निश्चित रूप से इसके बारे में पढ़ा होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप याद रख लीजिए, सांख्य दर्शन दर्शन शास्त्र के दिए गए अवधारणाओं में सबसे पुराना विचारधारा है। दूसरा, इसकी स्थापना ऋषि कपिला के द्वारा की गई थी, यह बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा कथन कहता है, इस विचारधारा ने परमाणु सिद्धांत विकसित किया, अर्थात सभी भौतिक वस्तुएं परमाणुओं से बनी है। ये गलत है, क्योंकि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सांख्य दर्शन के अंतर्गत नहीं किया गया था, यह किया गया था वैशेषिक सिद्धांत के अंतर्गत। यानी कि जो भौतिक वस्तुएं बनी हुई हैं उनका निर्माण परमाणुओं से हुआ है, उसके बारे में कौन से सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है, वैशेषिक सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है। यानी कि आपको यहां पूछा गया है सांख्य दर्शन के बारे में, दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कहता है, उन्होंने तर्क दिया कि ज्ञान के अधिग्रहण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, बिल्कुल सही। इनके दो सिद्धांत हैं, सांख्य दर्शन के अंतर्गत दो सिद्धांत हैं और दोनों ही सिद्धांतों में ज्ञान प्राप्ति के बाद ही लोगों को मोक्ष मिल सकता है, इसके बारे में कहा गया था। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको याद रखना है वो ये कि सांख्य दर्शन जिस विचारधारा को मानता था वो द्वैतवाद था। द्वैतवाद में इस बात को माना जाता है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों अवधारणाओं को ज्ञान के आधार पर बताया गया था। इसी अवधारणा के अंतर्गत कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसको ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप याद रखेंगे। मैंने वैशेषिक दर्शन के बारे में बताया कि ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बताता है जिसके अंतर्गत विश्व में जितनी भी चीजें हैं वे परमाणुओं से बनी हुई हैं, इसके बारे में इसमें लिखा गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 64 योगिनी मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो जानकारियां दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जानकारी 64 योगिनी मंदिर के बारे में सही है। पहली कथन कहती है, इस मंदिर की विशिष्टता इसकी गोलाकार आकृति है, जो माना जाता है कि इसने भारतीय संसद के डिजाइन को प्रेरित किया।
फ्रेंड्स आप याद रख लें, 64 योगिनी मंदिर जो मध्य प्रदेश के मुरैना में है, ऐसा माना जाता है कि उसी डिजाइन यानी कि 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद को गोलाकार आकृति में निर्मित किया गया है। हालांकि इसके लिए कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा कथन कहता है ये मध्य प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 64 योगिनी मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। इस ये गोलाकार मंदिर में 64 कक्ष बने हुए हैं और इसके बीच में जो एक मंडप है वहाँ भगवान शिव को स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि दोनों के दोनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये आप 64 योगिनी मंदिर को देख सकते हैं, ये 11वीं शताब्दी के आसपास मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थापित किया गया था। आज के मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है, जिस समय इसे निर्मित किया गया उस समय ना तो मध्य प्रदेश था और ना ही मुरैना जिला। इस मंदिर में कुल 64 कक्ष हैं और एक खुला मंडप है जो बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान शिव को विराजमान स्थान दिया गया है। 1323 ईस्वी में एक शिलालेख का निर्माण करवाया जाता है और उसका निर्माण कच्छप घट राजा देवपाल के द्वारा करवाया गया था, जिसमें इसके मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारियां लिखी गई हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी इनके बारे में। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, नाटक मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था। आपको 4 महापुरुषों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि नाटक मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था। शूद्रक, भवभूति, हर्षवर्धन और विशाखादत्त। ये फैक्ट है, आप याद कर लें, नाटक मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया था। आपसे यदि ये पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस के अंतर्गत किस राजा का वर्णन है, तो आप याद रखेंगे ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें लिखा गया है। हमारे डिस्कशन का 5वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 जानकारियां दी गई हैं, आपको बताना है कि ये जानकारियां किसके बारे में लिखी गई हैं। आपको सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में ऑप्शन देखना है, चोल, सातवाहन, चेर और पांडे। अब हम देखते हैं कि जानकारी किसके बारे में है। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का संरक्षण किया। नागार्जुन कोंडा में उनकी वस्तुकला उल्लेखनीय है। उन्होंने अश्वमेघ और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाया। उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य का संरक्षण किया। फ्रेंड्स याद रखें, ये फैक्चुअल जानकारियां हैं, ये सारी की सारी जानकारियां सातवाहनों के बारे में लिखी गई हैं। सातवाहनों ने, हालांकि ये ब्राह्मण धर्म को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते थे और इसी के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे यज्ञ कराए, चाहे वो यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ हो या फिर राजसूय यज्ञ हो, इसके बावजूद उन्होंने बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया। हालांकि भारत में जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जितने भी राजा हुए, जितने भी संस्कृतियाँ हुई, किसी ने भी किसी भी दूसरे धर्म का बहिष्कार नहीं किया। ये जब भारत में मुसलमान शासक का आगमन होता है, उसके बाद से ही एक धर्म का दूसरे धर्म का विरोध किया जाना ये शुरू होता है। उससे पहले भारत में ऐसी संस्कृति नहीं थी। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण वास्तुकला का उल्लेखनीय वर्णन किया गया है वो नागार्जुन कोंडा में सबसे ज़्यादा आज भी देखने को मिलता है। इन्होंने मुख्य रूप से प्राकृत भाषा और संबंधित साहित्यों को संरक्षित करने की कोशिश की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी इनके संबंध में, आपको इसे याद रखना है। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बात जिसे आपको याद रखना है वो ये कि सातवाहनों का जो शासन था वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक लगभग 500 सालों तक इन्होंने दक्कन के क्षेत्र में शासन किया। जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए सातवाहनों में, उनमें गौतमीपुत्र शतकर्णी और उसके उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का शासनकाल माना जाता है। एक अन्य बात जो कभी कभी प्रश्न में देखने को मिलता है कि कौन से वो शासनकाल हैं या फिर कौन से वो राजा का काल है जिनके नामों के आगे माता का नाम लगाया जाता था, तो वो भी आप याद रखेंगे, सातवाहन। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ गौतमीपुत्र, वशिष्ठ पुत्र, ये जो नाम लिखे गए हैं वो अपनी माँ के नाम को अपने समक्ष लगाए हुए हैं।
तीसरी शताब्दी के आते आते ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और इन्हीं से एक इच्छवांशु नामक जो निकला राजवंश, उन्होंने भी अपनी समृद्धि का वर्णन कराया। इनके द्वारा बहुत सारे चैत्य विहार इत्यादियों का निर्माण करवाया गया था। सातवाहन शासकों के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया गया, यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षुओं को गांव और भूमि भी दान दिए गए ताकि ये अपनी आजीविका को अच्छी तरह से संचालित कर पाए। वशिष्ठ पुत्र पुलमय जो थे उनके द्वारा अमरावती स्तूप का मरम्मत करवाया गया था। जो प्राकृतिक साहित्य है उन प्राकृतिक साहित्यों में सबसे प्रसिद्ध हला की सटसई, ये एक साहित्य है जिनको अभी भी संरक्षित करके रखा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी फ्रेंड्स, आप इनको याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, नासिक शिलालेख निम्नलिखित राजाओं में से किसकी उपलब्धियों को दर्ज कराता है? तो नासिक शिलालेख जो है वो गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में जानकारियों का उल्लेख करता है। जब गौतमीपुत्र शतकर्णी बहुत सारे राजाओं को जीत रहे थे दक्षिण भारत, वर्तमान के दक्षिण भारत या फिर आप कहें दक्कन के क्षेत्र में, जब ये अपने परचम को लहरा रहे थे, तब उनकी माता गौतमीपुत्र के द्वारा नासिक में एक शिलालेख को स्थापित किया जाता है और वहां पर शतकर्णी के विजय का उल्लेख किया गया था। तो आप सिर्फ ये ना याद रखें कि नासिक शिलालेख में किसका वर्णन है, तो आप ये कि उसमें गौतमीपुत्र शतकर्णी का उल्लेख है, लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसका उल्लेख किसके द्वारा करवाया गया था, तो आप याद रखेंगे इसकी माँ मतलब शतकर्णी की माँ गौतमीपुत्र के द्वारा, गौतमी के द्वारा कराया गया था। तो ये भी आप याद रखें। जो शासन काल था गौतमीपुत्र शतकर्णी का वो 106 एडी से लेकर 130 एडी के बीच लगभग 24 सालों तक इन्होंने शासन किया। इनके जीत का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है वो मालवा के शासक नागापन पर विजय के बारे में मिलता है और इन्हीं के बारे में वर्णन उनकी माँ गौतमी बालाश्री के द्वारा नासिक शिलालेख में करवाया गया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये देखने में जो नासिक की गुफा है इसे भी आप देख सकते हैं, जो जानकारियां लिखी गई हैं वहां गुफा के अंदर ये भी आप देख सकते हैं। चित्र देख लेने के बाद बहुत कुछ याद रह जाता है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। हमारे डिस्कशन का सातवां प्रश्न क्या कहता है, वेट्टी और कदमाई किसके संदर्भ में चोल शिलालेख पर पाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो चोल शिलालेख हैं बहुत सारे हैं, तो उन शिलालेखों में वेट्टी और कदमले जो शब्द हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आप याद कर लें, वेट्टी और कदमले जो चोल थे वो वर्तमान के तमिलनाडु के क्षेत्र में शासन करते थे। इनके द्वारा 400 प्रकार के कर लगाए जाने की बात कही गई है। जो चोल शिलालेख हैं उनमें से जो दो कर हैं वो वेट्टी और कदमलई है। जो वेट्टी कर है वो मुद्रा के रूप में भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि जो वेट्टी कर है वो जबरदस्ती शारीरिक श्रम करवाया जाता था कर के भुगतान करने के लिए। और कदमाई जो है वो एक प्रकार का भू राजस्व होता था। तो ये भी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मतलब ये करों का प्रकार है और चोल शासकों के द्वारा लगभग 400 प्रकार के कर लगाए गए थे, उसे भी आप याद रखेंगे। कुछ अजीब सी बातें हैं, जैसे यदि किसी व्यक्ति को खुजली हो जाता था तब भी इनके द्वारा कर लगाया जाता था। साथ ही यदि कोई व्यक्ति ताड़ के पेड़ पर सीढ़ी लगाकर चढ़ता था तो उस पर भी कर लगाया जाता था। परिवार का जो संपत्ति होता है उनको बाप से फिर बेटा को ट्रांसफर किया जाता है, तो उस संपत्ति को ट्रांसफर करने के क्रम में भी कर लगाया जाता था। तो ये कुछ अन्य अजीब सी बातें हैं जो पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का आठवां प्रश्न क्या कहता है, विष्णु के वराह या वराह अवतार की मूर्ति कहाँ मिलती है? आपको यहाँ पर चार गुफाओं के नाम दिए गए हैं, मंडेश्वर गुफा, नासिक गुफा, जूनागढ़ की गुफा, उदयगिरी की गुफा। अब आपको बताना है कि विष्णु का जो वराह अवतार है वो इनमें से किस गुफा में उकेरा गया है। तो फ्रेंड्स आप याद रख लें कि विष्णु का जो वराह अवतार है उसके बारे में उदयगिरी गुफा में उकेरा गया है। अगर हम बात करें
इस उदयगिरी गुफा का, जहां पर विष्णु के अवतार का वर्णन किया गया है, उकेरा गया है, ये ओडिशा के उदयगिरी खंडगिरी की गुफा की बात नहीं कर रहा है। ये जो उकेरा गया है वो मध्य प्रदेश के विंदिशा में स्थित है। उदयगिरी खंडगिरी जो है वो सातवाहनों से संबंधित है, ठीक। लेकिन ये जो उदयगिरी गुफा है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर विष्णु के वरहा अवतार के बारे में उल्लेखित किया गया है, ये जो है वो मध्य प्रदेश के विंदिशा में है, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी के आसपास निर्मित करवाया गया था, या फिर उकेरा गया था दीवाल पर। तो इसे आप देख भी सकते हैं और इसके बारे में जो जानकारी थी उसे आप ध्यान भी रखेंगे। हमारे डिस्कशन का 9वां प्रश्न क्या कहता है? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब अमरावती चित्रकला के बारे में आपको बताना है कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 जानकारियां लिखी गई हैं, आपको अमरावती चित्रकला के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कृष्णा और गोदावरी नदी के निचली घाटियों में फला फूला। अगला कहता है कि इस कला के मुख्य संरक्षक सातवाहन थे। अगला कहता है अमरावती स्कूल की एक महत्वपूर्ण विशेषता कथा कला है। फ्रेंड्स, आप याद रख लें, ये सारी जानकारियां बिल्कुल सही हैं। अमरावती चित्रकला जो है वो भारत की स्वदेशी चित्रकला है। विशेष रूप से ये जो केंद्रित था वो भगवान बुद्ध पर केंद्रित था, लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे चित्र इसी के माध्यम से उकेरे गए। और इसका जो मुख्य आधार था, मैंने बताया ये बौद्ध धर्म था, उसके बाद ये आगे जैसे जैसे बढ़ता है, उसके बाद बहुत सारे जानवर के चित्र बनाए गए, बहुत सारे मंदिरों पे दूसरे ऐसे चित्र का भी निर्माण करवाया गया। इनको मुख्य संरक्षण सातवाहनों के द्वारा दिया गया था और ये आंध्र प्रदेश, वर्तमान के आंध्र प्रदेश के आसपास जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का हिस्सा है, वहां पर सबसे ज्यादा इनको फलते फूलते देखा गया। इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि जब चित्रकारी की जाती थी तो उसमें एक एक चित्रकला के बाद जोड़ते हुए कथा का वर्णन किया जाता था। मतलब एक के बाद दूसरा क्या हुआ, दूसरे के बाद तीसरा क्या हुआ, मतलब कहानी को वर्णित करने की कोशिश की जाती थी चित्रकला के माध्यम से। तो इसे भी आप याद रखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 ऑप्शन डी। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो चित्रकला है मुख्यतः बुद्ध पर केंद्रित था, अलग अलग चित्रकला उनके निर्मित हुए। जो महत्वपूर्ण विकास हुआ वो सातवाहनों के शासनकाल में हुआ और सातवाहनों का शासनकाल 3री शताब्दी के आसपास समाप्त होने लगता है। बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में सातवाहन टूट जाते हैं। उसके बाद जो इनका उत्तराधिकारी एक छोटा राज्य बना इच्छुआंकु, इनके संरक्षण में भी ये काफी फला फूला। और इसके विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है वो 150 ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी के बीच, मतलब लगभग 500 साल के बीच में इनका विकास हुआ। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इनमें मुख्य जो चित्र वर्णन किए गए वो मानवीय आकृति का किया गया है। ज्यादातर जो आकृति है वो मानवीय आकृति का है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। कौन से भगवान से था मैंने बता दिया है। हमारे डिस्कशन का 10वां प्रश्न क्या कहता है? सांची स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 जानकारियां दी गई हैं, आपको बताना है सांची स्तूप के बारे में कौन सी जानकारी सही है। पहला कहता है, सांची स्तूप भारत की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है और इसे सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित करवाया गया था। याद रख लीजिए, बिल्कुल सही जानकारी है। सांची स्तूप, इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था, इसे आप याद रखेंगे। ये सबसे पुरानी भारत की ऐतिहासिक धरोहर में से एक मानी जाती है। दूसरा कथन क्या कहता है? सांची स्तूप में कुछ सुंदर मूर्तियां और भित्ति चित्र हैं। देखिए, भित्ति चित्र जो होते हैं ना, वो दीवालों पर बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से गुफाएं जो बनाई गई थी या फिर जो चैत्य बनाए गए थे वहां पर देखने को मिलती हैं। जो स्तूप होते हैं वहां पर सामान्यतः भित्ति चित्र नहीं होता है। और ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सांची का स्तूप है वहां पर बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है, बहुत सारे लेख लिखे गए हैं, लेकिन भित्ति चित्र यहां पर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा कथन क्या कह रहा था?
कि सांची के स्तूप स्मारक भारत की ओर से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध होने वाली पहली साइट थी। गलत, क्योंकि भारत की यूनेस्को मतलब यूनेस्को के विश्व विरासत विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत जो शामिल किया गया था भारत का पहला साइट वो आगरा का किला था, जिसको 1983 में शामिल किया गया था। तो ये सबसे पहला था, और सांची का स्तूप जो है वो 1989 में शामिल किया गया था। इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है, पहला सही हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। ये देखने में कुछ इस प्रकार की है, आप देख सकते हैं ये सांची का स्तूप है, और सांची का स्तूप और इसमें क्या जानकारी है जिसे आप याद रखेंगे। अजंता की गुफा भी थी जिसको 1983 में ही शामिल किया गया था। आगरा का किला मैंने बता दिया, इसको मैंने बता दिया, ठीक। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, आपको याद रखनी है सारी बातें, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।